जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो मैं आपको दिखा रही थी अपने पौधे, तो देखिए इसमें कितने सारे फूल आए। नाम तो नहीं पता है मेरे को इसका, पर इसमें रोज़ फूल आते हैं। और इस वाले में देखिए, ये पिंक का भी है और वाइट भी है इस पे। और ऐसे फूल आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, तो अभी हो रहा था सुबह का टाइम, तो मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ चमले रख दूँगी। ये मैंने इनको अच्छे से साफ़ कर लिए थे, फिर अच्छे से धो के इनको उबलने के लिए रख दूँगी। थोड़ा टाइम लगता है इनको उबलने में, तो मैं ये रख के दूसरा काम कर लूँगी या फिर नहा के आ जाऊँगी, तब तक ये उबल जाएंगे। तो मैं इसमें नमक और हल्दी डाल के रख दूँगी। तो ये अच्छे से उबल के फूल जाते हैं ना, तो इनकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं नहा के आ गई थी और फिर ये चावले भी हो गए थे, तो बस इनमें बघार लगाऊँगी अब। तो यहाँ मैंने तेल रख दिया था गरम होने के लिए। तेल गरम हो गया तो इसमें मैंने जीरा और प्याज दोनों डाल दिए। मेरा तेल पुराना जला हुआ ही था, तो बस उसी में बघार लगा दूँगी। हरी मिर्ची डाल दूँगी और लहसुन डाल दूँगी। उसे अच्छे से पका के इसमें मैं नमक मिर्ची हल्दी डाल दूँगी, धनिया पाउडर, और फिर अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ मैं ये चावले थे वो डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें थोड़ा पानी भी डालना है, हल्का सा पानी डाला है मैंने, क्योंकि ये मसाला चावलों में अच्छे से चला जाएगा तो टेस्ट अच्छा आएगा इसका, सब्जी का। तो मैं सब्जी बन चुकी थी, तो फिर अब मैं धनिया डाल दूँगी। धनिए से ही सब्जी का स्वाद आता है वैसे तो, हो तो डाल दो वरना कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं रोटियाँ बना रही हूँ, तो चूल्हे पे ही बना रही हूँ रोटी। तो आधे से ज़्यादा टाइम हमारे यहाँ चूल्हा ही जलता है, अधिकतर हम चूल्हे पे ही रोटी बनाते हैं, गैस पे भी बना लेते हैं कभी। इसको करना है साफ, बस अब लग जाते हैं। तो खाना बना लिया था और बर्तन भी कर लिए थे साफ, फिर करना था मेरे को इस किचन को साफ। तो इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो बस राखी भी आ रही है, तो इस धीरे धीरे पूरा घर को ही साफ करना है। तो मैं सारा एक साथ साफ नहीं करूँगी, मैं एक एक रूम ही साफ करूँगी। तो आज किचन की बात से शुरुआत करें, यहाँ से। तो यहाँ मेरा हाथ ऊपर नहीं जाता, तो मैं ये टंकी रख लूँगी, इसी पे चढ़ के इसको साफ़ करूँगी। तो पहले पूरे रूम में ऊपर दीवारों पे सब धूल झाड़ू निकाल दूँगी, उसके बाद उसकी बारी आएगी। तो यहाँ देख रही थी मैं इस मसाला बॉक्स को, तो इसको चूहे ने काट दिया है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, तो बस वही दिखा रही थी मैं आपको। एक डिब्बी को काट दिया उसने, ये खा गया वो। चूहे बहुत सारे हो गए, बताओ किसने खाया? कहीं भी सामान देखे ही नहीं रखते, और प्लास्टिक का तो टिकते ही नहीं, खा जाते हैं। वैसे भी ये बहुत यूज वाली चीज़ थी, इसमें 16 डिब्बी आई थी, तो 16 तरह का सामान रख सकते थे, सारा सामान आ जाएगा। ये था उसका बेनिफिट कि सामने से दिख जाता था सारा सामान, कहीं ढूंढना नहीं पड़ता था। अब सेट बिगाड़ ही दिया है, अब उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते, पर ऐसे ही लगी रहेगी और क्या। तो यहाँ मैं एक एक ही खाँचे को साफ करूँगी, सारा नहीं फैलाऊँगी, क्योंकि सारा फैला दूँगी तो समेटने में टाइम लग जाएगा।
और फिर सोई है नन्नू नीचे, तो वो भी उठ जाएगी, फिर वो नहीं करने देती है। मैं साफ़ कर लूँगी और हाथों हाथ पोछती भी जाऊँगी। यहाँ मैंने पहले पेपर बिछाए थे, तो अब सोच रही हूँ बैनर बिछाने का। रखे हुए थे ये बैनर रखे हुए थे, तो वह इन्हीं को काट के ना बिछा दूँगी। पहले वो ऐसे पेपर बिछाए थे, तो इनको भी चूहों ने काट दिया और ये खिसक खिसक के जाते हैं। इनको भी काट बैनर को भी काट ही देंगे वो तो, पर क्या करो, बिछाना तो पड़ेगा। प्लास्टर है नहीं, तो वो रेत गिर गिर के ने पूरी उस पर पट्टी पे हो जाती है। फिर अपन डिब्बा निकाल दे तो उसे कर कर के आवाज़ आती, तो मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्या होता उन वो आवाज़ से, तो इसीलिए फिर बिछा देती हूँ। और यहाँ है ये डलिया जो कि नन्नू के सामान रखने के लिए लेके आई थी, पर ये टूट गया था, तो मैंने यहाँ चम्मच वगैरह रखने के लिए कर दी। तो ये टूट गया तो इसका भी जुगाड़ लगा ही लेते हैं, चिपका दूँगी, अभी तो काम ढक ही जाएगा, हो जाएगा। सही से रखने की जगह नहीं है चम्मच वगैरह, तो फिर मैं इसी में रख देती हूँ। तो यहाँ टेप रखी थी, तो बस इसी से मैं इसको चिपका दूँगी, तो ये वापस सही हो जाएगा। तो ऐसे मैं फेविक्विक से भी चिपका सकती थी, लेकिन वो था नहीं, जो था घर में उसी से लगा देते हैं। इसे इससे भी ठीक ही हो गया है। तो ये हो गया है तैयार, वापस से सही हो गया है, अभी तो टिक ही जाएगा सामान रखने के लिए। 30 रुपये में ही मिला था मेरे को, ये लिख भी रखे हैं इस पर 30 रुपये। तो यहाँ मैं उसे धो के ने ले आऊँगी और लगा दूँगी। तो यहाँ है मेरा छोटा सा गैस स्टैंड, तो इसे भी साफ़ कर लूँगी। पहले गैस को कर दूँगी अच्छे से साफ़। यहाँ पानी जाने का कोई जगह नहीं है, नीचे ही जाता है, तो फिर यहाँ मैं टब लगा लूँगी, नीचे रख दूँगी, तो सारा पानी उसी में चला जाएगा। तो यहाँ आपको दिख रही होगी दरवाजे के पास काली पन्नी, तो ये बारिश की वजह से लगाई है, क्योंकि बारिश का पानी आता है, तो ये दरवाज़ा लोहे का है, तो ये ख़राब होने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। पानी लगेगा तो ख़राब तो होएगा, तो इसमें जंग लग जाएगी, इसीलिए अभी बारिश बारिश इसको लगा रखी है यहाँ, ताकि दरवाज़ा बचा रहे। तो यहाँ सारा सामान समेट कर मैं लगा लूँगी पोछा। तो ये इस रूम में आधे आधे में ही टाइल्स लगाई है, क्योंकि ये बची हुई थी तो यहाँ लगा ली। पूरे में लग जाती तो रोज़ पोछा लग जाता, वैसे तो रोज़ नहीं लगाती हूँ, लेकिन रोज़ नहीं लगाती हूँ, टाइम ही नहीं होता इतना। नन्नू को संभालना पड़ता है, फिर किट्टू आ जाता है स्कूल से, तो फिर उसको देखना होता है, तो फिर
ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। ये देखिए मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन जो कि हो गया है साफ। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं आगे भी न्यू वीडियो लेके आऊँगी। तो मेरे वीडियो पूरे देखना, बीच में स्किप मत करना। तो मैं आपको फिर से वही दिखा रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा इसको चूहे ने काट दिया। तो ऐसी कोई सी भी चीज़ें अपन प्यार से मंगवाते हैं और अगर उससे कुछ हो जाता तो बहुत बुरा लगता है, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो मेरी हालत कैसी हो गई, इस इतने से छोटे से किचन को साफ करने में मेरे को पूरा दिन हो गया।